नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग विद रंजन कुमार पर। और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं वर्ग स्क्वायर्स कैसे निकाले हम उसको देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 40 तक बताया था, आज हम जो है 40 से लेकर 99 तक 99 तक जो है करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 40 का हम समझते हैं, 40 का वर्ग हम कैसे निकाले। तो 40 का वर्ग निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, इसको हम 4 का वर्ग यानी 16 और यहाँ पे 0 है तो 0 यानी 10, 10 का वर्ग करेंगे तो 100, 1600 हो गया। इस तरीके से हम 40 का निकाल सकते हैं। अब है 41 का, 41 का वर्ग कैसे निकालें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, 41 का वर्ग करने के लिए 4 का वर्ग करेंगे 16, 1 का वर्ग करेंगे 1, बीच में जगह खाली छोड़ देंगे और यहां से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 का दुगुना 8, 8 यहां लिख देंगे। यहां पर खाली स्थान छोड़ना है यहां पर, और इसको प्लस कर देंगे 1 का 1, यहां पर 0 कर दो, 1 का 1 8, 16 81, ये 41 का वर्ग आ गया हमारे पास में 16 81, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम बहुत बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब हम लोग जो है निकालेंगे 42 का, 42 का समझते हैं कैसे निकालेंगे। 42 का स्क्वायर जब निकालना हो, वर्ग जब निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है। यहां से हम कर देंगे 4 का 4 का वर्ग यानी 16, 2 का वर्ग 4 और गुना करेंगे 4 दुनी 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 दुनी 8, 8 का दुगना करेंगे 16, यहां पे लिख देंगे। एक स्थान आपको यहां पे याद रखना है, खाली छोड़कर लिखना है। यहां से अब 4 का 4 प्लस करेंगे हम, यहां पर 6 का 6, यहां पर 7 1। 42 का यानी 42 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा 1764, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं 43 का, देख सकते हैं 43 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से कर देंगे 4 का 4 का स्क्वायर यानी 16 और यहां से करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 जा 9 और यहां से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 4, 3 जा 12, 12 का करेंगे दुगना यानी 24 कर देंगे। फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, यहां पे 9 प्लस करना है हमको, यहां से हम प्लस करेंगे 4 का 4 और यहाँ पे 8 और यहाँ पर 1, इसको प्लस कर देंगे। इस नंबर को एक नंबर खाली छोड़कर हमको सेकंड वाला उसके नीचे रखना है, फर्स्ट के नीचे नहीं रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अब यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 43 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1849 यानी 1849 ये निकल कर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम 45 का कर लो, दो नंबर का स्क्वायर जब भी करना हो बड़े ध्यान से कर सकते हैं। 45 का निकालो, 46 का निकालो, 48 का निकालो, किसी भी नंबर का निकालो तो सबसे मेन जो है याद रखने की क्या है, फर्स्ट वाले नंबर का जो है स्क्वायर करना है। फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर यानी 4 गुना में 4 16, 16 वर्ग होता है, 5 का 25 होता है, यहां से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 चौक 20, 20 का दुगना करना है यानी 40, अब इसको प्लस कर देना, पहले वाले नंबर के नीचे हमको नंबर नहीं लिखना है, सेकंड वाले नंबर के नीचे लिखना है, थर्ड वाले नंबर के नीचे लिखना है, हमेशा फर्स्ट वाले नंबर को खाली छोड़ना है। अब यहां से हम प्लस करेंगे तो यहां से हो जाएगा 5 का 5 2, 10 का 0 1, 1 और 1 2, ये 20 यहां पर आ जाएगा, 45 का 20 और 25। इसी प्रकार 46 का निकाल सकते हैं स्क्वायर, 46 का जब भी हम करेंगे तो यहाँ से 4 का स्क्वायर यानी 16 और 6 का स्क्वायर यानी 36, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, 24 का डबल करना है 48 हो जाएगा, अब यहाँ से प्लस कर देना है, 6 को यहीं रखना है, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 8 11, 11 का 1 बना गया और 10 11 का 1 और 2, यहां पे आ जाएगा 46 का 21 16, ये इस प्रकार से हम इसको वर्ग निकाल सकते हैं, यहां से इसका निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लो हम 49 का निकालते हैं तो 49 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 49 का क्या होगा, यहां से कर देंगे बहुत ही सिंपल है, 4 का स्क्वायर यानी 16 और 9 का स्क्वायर 81,
यहां से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 36 होता है, 36 का डबल करना है, 36 का डबल जो है 72, यहां से प्लस कर देंगे, 1 का 1, यहां पे 10 का 0, यहां पे 1, 7, 7, 14 का 4, 1 आ गया, तो यहां से आ गया 2401, ये इसका जो है निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से 50 का भी निकाल सकते हैं हम, 50 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से इसका डायरेक्ट कर सकते हो 2500 कर दो, 2500 हो जाएगा। इस प्रकार से 51 का अगर निकालना हो तो 51 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 5 का वर्ग यानी 25 1 का 1 होगा, यहां से गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 का दुगना यानी 10, पहले अक्षर को छोड़कर लिखना है, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 6, यहां पर 2601, ये 5151 का निकलेगा 2601, आप चेक भी कर सकते हो 51 का 2601। हाँ सही है, ये चेक भी किया जा सकता है इसको, इसी प्रकार से जो है यहाँ पे लिख देंगे 2601। अब हम निकाल सकते हैं यहां से जो है 52 का, 52 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, यहां पर 4, यहां से करेंगे 10, 10 का दुगना 20, प्लस करेंगे तो यहां से आ जाएगा ये इसका 4 का 4 0 7 2 27 0 4 ये आ जाएगा हमारे पास में 52 का। इसी प्रकार से 54 का 3 का भी निकाल सकते हो, 54 का निकाल कर देखते हैं हम लोग, 54 का करके देखते हैं, 54 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर यानी 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 चौक 20, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 चौक 20, 20 का डबल 40, अब यहां से जोड़ देना है 6192, ये आ जाएगा 29, 16 आ जाएगा 54 का वर्ग। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, और भी हम ज्यादा नंबर्स का करके देख सकते हैं, अभी करते हैं। अब हम 55 का करके देखते हैं, 55 का स्क्वायर जब करेंगे हम तो यहां से करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 5 का 25 और यहां पर कर देंगे 5 गुना में 5 कितना होता है 25, 25 का दुगना 50। अब इसको हमको प्लस कर देना है, यहां पर पहले हमको ये ध्यान रखना है पहले अंक के नीचे, नंबर्स के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखना होता है। यहां से करेंगे 5 का 5, यहां से 2, 5 और 5 10 का 0 और 1, तो ये आ जाएगा 30 25 30 25, ये आ गया हमारे पास में 55, 55 का जब वर्ग करेंगे तो ये निकल कर आएगा। इसी प्रकार और कर सकते हो आप, यहां से हम कर देते हैं 59 का करके देखते हैं स्क्वायर, 59 का करेंगे तो यहां पर भी ध्यान रखना है हमको 5 का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, यहां से आप मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 59 जा 45, 45 का डबल करना है 90। अब पहले नंबर्स के नीचे नहीं लिखना है, सेकंड वाले और थर्ड वाले के नीचे रखकर इसको प्लस कर देंगे, 1 का 1 8 का 8 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 9 और 5 14 का 4 1 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा यहां पर 59 का जब भी स्केयर करेंगे 34 81। इस तरीके से हम बड़े से बड़े नंबर का जो है स्केयर निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है करके देखते हैं 61 का, 61 का जब करेंगे स्केयर तो यहां से कर देंगे 6 का स्केयर 36 होता है, 1 का स्केयर 1 ही होगा, अब यहां से करना क्या है मल्टीप्लाई 6 बन जाए 6 का डबल 12, तो यहां पर 16 के नीचे रखेंगे और इस वाले नंबर को यहां पे खाली छोड़ेंगे, सेकंड वाले नंबर के बीच में हम 2 रखेंगे और यहां से कर देंगे प्लस, 1 का 1 2 का 2 यहां पे 7 और यहां पे 3, ये आ गया हमारे पास में जब भी 61 का करते हैं तो 3721। इसको आप चेक भी कर सकते हो क्या हमने जो किया है वो सही है या नहीं, तो इसको देखने के लिए हम देख सकते हैं 3721 बिल्कुल सही है ये। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं 62 का करके देखो, 62 का जब भी करेंगे इसका स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया,
टू का स्क्वायर जब करेंगे फोर, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व का डबल 24। फर्स्ट वाले यहां पर जो है नंबर के नीचे नहीं रखना है, सेकंड वाले नंबर के नीचे फोर, सिक्स के नीचे टू, और इसको प्लस कर देंगे फोर का फोर, फोर का फोर एट थ्री, ये यहां से आ गया हमारे पास में थ्री एट फोर्टी फोर, ये यहां से इसका 62 का स्क्वायर निकल कर आता है। इसी प्रकार से अब कर सकते हो आप, मैं जो है 71 का करके दिखा देता हूं। 71 का कैसे करेंगे, 71 का जब करेंगे हम यहां पर तो 77 का करेंगे स्क्वायर यानी 49, 1 का करेंगे 1, बीच में एक डिजिट खाली छोड़ना है बीच में यहां पर, और 7 का डबल करेंगे 14, यहां पे 14 लिखना है, पहले वाले डिजिट को ऐसे खाली छोड़ना है, अब इसको प्लस करना है यहां से 1 4 10 और ये 5, ये आ गया 50 और 41, ये 41 का स्क्वायर होगा, 50 41 41 का नहीं 71 का जो है स्क्वायर होगा 50 41। इसी प्रकार से और भी कर सकते हो आप लोग, 73 का करके देख लो, 73 का जब करेंगे हम यहां पर 7 का 49 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 7 3 जा 21 का डबल जब करेंगे 42, और इसको प्लस कर देंगे 9 2 9 और 4 13 का 3 होता है 1 और यहां से 5, ये आ जाएगा यहां पर 53 29, 73 का वर्ग। और भी कर सकते हैं, और मान लो 81 का करते हैं हम लोग, 81 का स्क्वायर, 81 का यानी 8 का करेंगे तो 64, 1 का 1, 8 का 8, 8 का डबल 16, यहां से जोड़ देंगे। बस हमको केवल ये ध्यान रखना है पहले वाले नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखना है जोड़ते समय। अब यहां से जोड़ देंगे 1 6 5 6, ये आ जाएगा 81 का जब भी करेंगे वर्ग 65 61। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको नहीं आएगा, दो चार सवाल अपने आप से जब प्रैक्टिस करोगे आप तो बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आ जाएगा समझ में कैसे करते हैं, बहुत कम समय में हम इसको कर सकते हैं, आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उनमें हमको समय बचाना बहुत जरूरी होता है, और समय बचाने के लिए हम ये वर्ग वाला स्क्वायर जब निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। और हम लोग जो है करके देख लेते हैं 84 का करके देख लो, 84 का जब करेंगे यहाँ से 8 का स्क्वायर यानी 64, और यहाँ से 16 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16, 8 का वर्ग करेंगे 64, यहाँ से गुना करेंगे 8 चौक 32, 32 का डबल करेंगे, 32 का डबल होता है 64, अब यहाँ से जोड़ देंगे 6 का 6, पहले वाले नंबर के नीचे नहीं लिखना है ये ध्यान रखना है, 4 और 1 5, 6 4 10 का 0, 6 1 7, यह आ जाएगा 70 56, 70 56 जो है 84 का वर्ग होगा। इसी प्रकार से हम लोग जो है 91 का यानी 91 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, 91 का करेंगे कितना हो जाएगा, 91 का जब करेंगे तो यहां से 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 1 का 1 हो जाएगा, 9 का 9, 9 का दुगना 18 होता है, 18 लिख देंगे, प्लस करेंगे यहां से 1 का 1, 8 का 8, 2 और 8, 82 81, ये आ जाएगा 82 81। चेक भी कर सकते हो आप इसको करके, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 94 या 93 का कर लो, 93 का जब वर्ग करेंगे तो यहां से करके देख सकते हो, 9 का 81, 3 का 9, 9 3 27, 2 54, 9 3 27, 27 का डबल करना है 54 54, इसको जोड़ेंगे 9 का 9, 4 का 4, 6 5 और 1 6 हो गया यहाँ पर 8, ये आ जाएगा 86 49, ये 93 का 93 का वर्ग होगा स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से 95 का करके देख लो, 95 का करेंगे तो यहाँ से 81, 9 का वर्ग करेंगे 81, 5 का वर्ग करेंगे 25,
नौ पंचे पैंतालीस, पैंतालीस का डबल करेंगे तो नब्बे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर पांच, दो दस का जीरो, एक नौ, इसका आ जाएगा नब्बे पच्चीस। बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो अपनी प्रॉब्लम, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम 99 का या 96 का करके देख लेते हैं, या 98 का कर लो। 98 का जब करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 8 का करेंगे 64, 9 के 72, 72 का डबल करना है, 72 का डबल हो जाएगा कितना, 44, 144। यहां पर ध्यान देने वाला बात क्या है, फर्स्ट वाले नंबर के नीचे नहीं लिखना है, बाकी सब के नीचे रख देना है और प्लस कर देंगे यहां पर 4, 10 का 0, 1, 4, 5, 6 और यहां पर 9, ये आ जाएगा 9604। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहां पर 99 का भी करके देख सकते हैं, 99 का मैं यहां पर करके दिखा देता हूं, इसको हटा देते हैं। 99 का जब भी करेंगे हम, 99 का यहां पर करेंगे स्क्वायर तो यहां से हो जाएगा 9 का 81, 9 का 81, 9 गुना में 9, 9 नहीं 81, 81 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 का डबल तो 2 और 8 दुनी 16, 162। अब यहां से प्लस कर देंगे 1, 10 का 0, 1, यहां पर 8, यहां पर 9, यहां से आ जाएगा 99 का करेंगे तो 9801, ये आंसर निकल कर आएगा। वर्गमूल हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जब भी 21 से लेकर 21 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम समय में हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं दोबारा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।